हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज अनिल के शर्मा और आज हम यूनिक्स या लाइनक्स में टाइप कमांड का प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। बट इससे पहले आइए समझते हैं कि टाइप कमांड का क्या यूज़ है। तो बेसिकली जो टाइप कमांड है, टाइप कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट द कमांड टाइप। तो यूनिक्स या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास बहुत सारे कमांड्स होते हैं, जैसे कि ls कमांड। टाइप भी एक कमांड ही है, तो ls कमांड, टाइप कमांड, pwd कमांड, cp कमांड, तो इस तरीके से बहुत सारे कमांड्स होते हैं। तो उन कमांड की टाइप के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कराना है तो वो हम टाइप कमांड को यूज़ करके करते हैं। तो बेसिकली टाइप कमांड क्या डिस्प्ले करता है, ये डिस्प्ले करता है इफ कमांड इज एन एलियास, शेल फंक्शन, शेल बिल्ट इन, फाइल और शेल, और रिजर्व वर्ड। तो जो कमांड है, जिस भी कमांड की टाइप के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है, तो वो कमांड एलियास कमांड है, शेल फंक्शन कमांड है, या फिर शेल बिल्ट इन कमांड, फाइल और शेल कमांड, या फिर रिजर्व वर्ड है। तो इस तरीके से टाइप कमांड को यूज करके हम जान सकते हैं कि कोई भी कमांड किस टाइप की कमांड है। तो बेसिकली किसी भी कमांड की टाइप के बारे में जानने के लिए हमें क्या करना है, यूनिक्स या लाइनक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के सबसे पहले हमें टाइप करना है type, टाइप, और इसके बाद जिस भी कमांड की टाइप के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है उस कमांड का नाम रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ls कमांड को रखा है, तो ये ls कमांड किस टाइप की है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इसी तरीके से टाइप कमांड के बारे में भी हम जान सकते हैं कि टाइप कमांड किस टाइप की कमांड है, pwd कमांड, cp कमांड, wc कमांड, while while कमांड। इन सब को एक एक करके जो है हम चेक कर सकते हैं कि ये किस टाइप की कमांड है। तो आइए इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे जो है एक एक करके प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो ये हमारा जो है लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स 6 का वर्जन है। तो यहाँ पे टाइप कमांड को यूज करके जो है चेक करेंगे कि कोई भी कमांड किस टाइप की कमांड है। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे type टाइप स्पेस, और मुझे जानना है कि ls कमांड किस टाइप की कमांड है, तो ls एंटर। तो ls कमांड जो है वो एक एलियास कमांड है, ls इज एलियास टू ls स्पेस डबल हाइफन कलर इक्वल टू tty, यानी कि ये जो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में जो ये जो है ls स्पेस डबल डबल हाइफन कलर इक्वल टू tty, इस पूरे फंक्शन का जो है ls कमांड जो है इसका डुप्लीकेट कमांड है, alias कमांड है। अब हम ls कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन ls कमांड प्रोवाइड करेगा सेम इन्फॉर्मेशन हम इससे भी प्रोवाइड करा सकते हैं, ls स्पेस डबल हाइफन कलर इक्वल टू tty। एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं ls। तो ls कमांड ने क्या किया है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी भी फाइल है उस सारी फाइल की जो है लिस्ट इसने शो कर दी है। अब इसी को मैं ls स्पेस डबल हाइफन कलर कलर इक्वल टू tty इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो ls कमांड ने प्रोवाइड किया है। तो ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो सेम इंफॉर्मेशन इसने प्रोवाइड किया है। तो ls कमांड क्या है, ls कमांड एक alias कमांड है। तो क्लियर कर लेते हैं इसको क्लियर कमांड से, ये मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं चेक करूंगा कि टाइप कमांड किस टाइप की कमांड है, तो type type स्पेस type type एंटर।
ये टाइप इज ए शेल बिल्ट इन कमांड, तो ये शेल बिल्ट इन कमांड है, इसको क्लियर कर लेते हैं। अब मैं चेक करूंगा पी डब्ल्यू डी कमांड, तो टी वाई पी ई टाइप पी डब्ल्यू डी एंटर, तो पी डब्ल्यू डी जो है, पी डब्ल्यू डी इज ए शेल बिल्ट इन कमांड, ये एक शेल बिल्ट इन कमांड है, क्लियर कर लेते हैं इसको, क्लियर। इसके बाद सी पी कमांड, टी वाई पी ई टाइप सी पी कमांड, तो सी पी कमांड क्या है, स्लैश बिन स्लैश सी पी का मतलब ये फाइल और शेल बेस्ड कमांड है, तो इसको क्लियर कर लेते हैं, क्लियर। इसके बाद टी वाई पी ई टाइप, और अब मुझे चेक करना है डब्ल्यू सी कमांड की टाइप क्या है, एंटर, तो स्लैश यूजर स्लैश बिन स्लैश डब्ल्यू सी, ये भी फाइल या शेल बेस्ड कमांड है, क्लियर कर लेते हैं इसको, क्लियर। और अब मुझे चेक करना है वाइल कमांड किस टाइप की कमांड है, तो टी वाई पी ई टाइप डब्ल्यू एच आई एल ई वाइल एंटर, तो वाइल जो है ये एक शेल कीवर्ड है, यानी कि रिजर्व कीवर्ड है, वाइल जो है ये जब हम यूनिक्स की प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें वाइल को यूज करते हैं, इसलिए ये एक शेल कीवर्ड है, एक रिजर्व कीवर्ड है, तो इसको क्लियर कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा टाइप कमांड को यूज करके कि कौन सा कमांड किस टाइप की है। तो ये था टाइप कमांड का यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।